वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं लाई हूँ आपके लिए डे बाय डे यूकेजी क्लास का वर्क। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, हम डे बाय डे वर्क कैसे करवाएं बच्चों को, तो उसी सीक्वेंस में मैं आगे बता रही हूँ कि आपको कैसे वर्क करवाना है। पिछला वर्क आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, तो आज मैं लाई हूँ उससे आगे का वर्क इंग्लिश में। तो हमने पिछली वर्कशीट पे हमने कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, वोवल ये सब कर लिए थे, तो आज मैं उससे आगे का वर्क आपको दिखा रही हूँ। हम फिर बच्चों को करवाएंगे टू लेटर वर्ड्स। ये हमने टू लेटर्स लिखे हुए हैं और इनको हम ऐसी सेम एज हम बच्चों को नीचे लिखने के लिए देंगे। तो ये लिखा है APP, ADD, AGG, as, an, at, इस तरीके से हम बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, लिखवाएंगे भी और इसको रीड भी करवाएंगे। नेक्स्ट डे हमने जैसे ये हम टू लेटर वर्ड्स हमने दिए हैं, तो उसके हमने जो वन लेटर्स के जो न्यू वर्ड्स बने हैं उसको हम बच्चों को करने के लिए देंगे। जैसे ये ATs है, तो ATs से हमने वर्ड्स बनाए हैं BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, MAT मैट, HAT हैट, इस तरीके से हम लिखने के लिए देंगे। ये AP साउंड से बना है CAP कैप, TAP टैप, MAP मैप, LAP लैप, GAP गैप, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा AN साउंड है और ये हमने वर्ड्स लिखे हैं MAN मैन, CAN कैन, VAN वैन, PAN पैन और FAN फैन, इस तरीके से ये वर्ड्स बने हैं। तो हम इसको लिखवाएंगे और रीड करवाएंगे। इसी तरीके से वर्क हम जो क्लास में करवाते हैं वही हम छोटे बच्चों को घर के लिए भी उसी का हम होमवर्क में देते हैं। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट डे हमने करवाया है कंप्लीट द वर्ड्स। हमने ये पिक्चर ड्रॉ करी है और वर्ड्स हमने कंप्लीट करने के लिए दिया। जैसे कैप बनी है तो हमने यहाँ पे वर्ड्स कंप्लीट करने, तो CAP कैप हो जाएगा, CAT कैट, तो ये हमने वोवल फिल करने हैं, FAN फैन, BAT बैग, और ये बैग बना है लिखेंगे BAG बैग। इस तरीके से हम बच्चों को करने के लिए घर के लिए भी देंगे सेम। फिर नेक्स्ट डे आ जाते हैं हम मैच द वर्ड विद द पिक्चर। वर्ड्स दिए हैं और ये पिक्चर बनी है, इसको हमने मैच करना है और कलर्स भी करवाने बच्चों को। तो जैसे ये पेन है PEN पेन, ये पेन बना है तो हम इसमें मैच करेंगे PEN पेन, और ये हम मैच करेंगे पिक्चर से। फिर है GAT जेट, तो ये जेट बना है, ये हमने मैच करना है। NIV निब, निब पे मैच करेंगे। HAT हैट, ये हैट बनी है, और TAP टैप, ये टैप बना है, और हम कलर भी करवाएंगे बच्चों से। तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया, मैच भी हो गया और कलर भी हो गया। तो ये था हमारा 2-3 दिन का वर्क, और इसी तरीके से हम बच्चों को घर के लिए भी देंगे और लर्न भी करवाएंगे बच्चों को। और ऐसे ही हम जैसे वीकली हमने वर्क करवाया है, तो ऐसे ही हम वीकली हम इसमें वर्कशीट बनवाते हैं बच्चों के लिए। तो ये मेरी एक वर्कशीट इंग्लिश की, ये भी मैं बताऊँगी जो मैंने वर्क करवाया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने वर्कशीट बनाई है बच्चों के लिए। तो ये दिया है राइट A to Z इन स्मॉल लेटर, तो स्मॉल लेटर लिखेंगे बच्चे इसमें A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z। ये हो गया हमारा स्मॉल लेटर कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द वोवल। ये वोवल लिखेंगे हम इसमें, वोवल 5 होते हैं, और वोवल लिखेंगे E, C, I, O, U। ये हमारे वोवल कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी द पिक्चर एंड राइट द नेम। पिक्चर देख के हमें नेम लिखना है, तो लिखेंगे आर ए टी रैट, पी ई एन पेन, एफ ए एन फैन, और एक कैप बनी है तो सी ए पी कैप। इस तरीके से हम छोटी छोटी वर्कशीट बच्चों को करवाएंगे। और हमारा ये इंग्लिश का हो चुका है कंप्लीट। ये है मेरी हिंदी का डे बाय डे वर्क, डेली में हम कैसे बच्चों को वर्क करवाएंगे। जो पिछले मैंने करवा दिया वो आप, पिछली मेरी वर्कशीट है, पिछले जो वर्क है उसमें आप देखोगे वीडियो में। अब मैंने नेक्स्ट डे दिया है मिलते जुलते शब्द लिखो। मिलते जुलते कप लिखा है, हल, कमल, नहर, पवन, डगर, इनके हमें मिलते जुलते शब्द बच्चों से लिखवाने। कप के जैसा लिखेंगे जब, हल के जैसा नल, कमल अमल, नहर के जैसा शहर, पवन के जैसा भवन, और डगर के जैसा नगर। इस तरीके से हम बच्चों को घर के लिए भी वर्क देंगे। सही, नेक्स्ट डे फिर मैंने दिया है बच्चों को चित्र देखकर मिलान करो। छोटा अभी हमने मात्राएं नहीं सिखाई है, अभी हम बिना मात्राओं के शब्द ही बच्चों को करवा रहे हैं। तो ये कप बना है, फल बना है, मटर है, सड़क है, थर्मस है, तो इस तरीके से हम मैच करेंगे। कप लिखा है, ये लिखा है, इसका हम मैच करेंगे। कप अ कप, फल अ फल, ये हो गया मटर, ये आ गए हम सड़क, मैच कर दिया हमने, और ये हो गया हमारा थर्मस, ये हमारा मिला चित्र देखकर। नेक्स्ट डे मैंने बच्चों को कराया चित्र देखकर सही अक्षर में रंग भरो। ये मैंने चित्र बनाया है और इसका जो अक्षर है, सही अक्षर है, शब्द जो बन रहा है उसमें हमने कलर करवाना है बच्चों से। तो ये कमल बना है, तो ये हमारा हो गया क, म, और ये हो गया ल। तो ये हमारा सही अक्षर पे रंग भर दिया है। नेक्स्ट हमारा बना है नीचे बर्तन बना है और हम इसमें कलर करेंगे। तो ये ब है, ये हो गया र, ये हो गया हमारा त, और ये हो गया न। इस तरीके से हमने ये एक शब्द ढूंढा और इसको हमने पूरा कर, ये हो गया बर्तन और ये हो गया कमल। नेक्स्ट डे मैंने बच्चों को दिया सही अक्षर के नीचे रेखा खींचो। मैंने ये अक्षर लिखे आगे और इनसे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं और हम करवाएंगे कि हमने अक्षर, सही अक्षर पहचाना और उसके नीचे हमें लाइन खींचनी। तो आ है, आम लिखा, आटा लिखा, तो ये बड़ा आ है और ये आ है, तो इसके नीचे हमने, तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों को अक्षर पहचानने में क्या हो गया, हेल्प मिलेगी, हम उन्हें अक्षर पहचान जाएंगे। जैसे क है, कमल लिखा है, कटहल लिखा, तो ये है, हमने अंडरलाइन कर दिया। माँ है, महल हो गया, मटर हो गया, तो माँ, हमने माँ अक्षर पे हमें लाइन खींच दी। अ है, ये हो गया हमारा सड़क, तो ये सा है, सर्कस है, इसमें दो बार सा है, तो इसमें हमें दो बार में। ना है, नटखट, और नहर, तो ये हमने अंडरलाइन करवा दी है, रेखा खींचवा दी है। ये हमारा जो वर्क था डे बाई डे का, उसी के अकॉर्डिंग मैंने 1 वीक की मैंने ये वर्कशीट तैयार करी है। तो ये हम बच्चों को करने के लिए देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क से ज्ञ तक लिखो। तो ये बच्चों से लिखवाएंगे हम वर्णमाला क ख। ये मैंने शुरू में करवाई है, जब हमने शुरू करा था UKG क्लास का स्टार्टिंग हमने करी थी, तो पहले हमने वर्णमाला, स्वर और व्यंजन दिए थे लिखने को। तो ये बच्चों को हम रिविज़न भी करवाएंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बीच में छोड़ देते हैं, गलत लिख लेते हैं, इसलिए हमें इसको रिवीजन करवाना है। घासी घर, अगर से वर्णमाला और स्वर बच्चों को अच्छे से आ जाएंगे तो बच्चों को क्या हो जाएगा, पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलती है। चुकी है काका गागा, चाचा जाजा या, टाठा डाडा ना, ताथा दादा ना, पाफा बाबा माँ, या रा ला वा, शा सा शा, हा अक्षर तरह गया। इस तरीके से हम बच्चों को लिखने के लिए और उन्हें याद करने के लिए भी देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है चित्र देखकर नाम लिखो। तो ये चित्र बने हैं, तो ये कप बना है, कप, ये हो गया हमारा टब, और ये हो गया कमल, नेक्स्ट हमारा नल,
और ये नेक्स्ट पिक्चर हमारी बटन बटन। फिर ये हमारा आ गया अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ, तो कप है लिखेंगे हम, हल हल। नेक्स्ट हमारा है जल जल। फिर आ गया हमारा कमल कमल। नेक्स्ट है हमारा नहर नहर। फिर आ गया पवन पवन। नेक्स्ट है अदरक अदरक। नेक्स्ट आ गया खटमल खटमल। और ये आ गया हमारा बचपन बचपन। तो ये हो गई हमारी वर्कशीट, साथ में हम वर्क करवाने के साथ साथ हम वर्कशीट भी देंगे, ताकि बच्चे क्या होंगे, उनको प्रैक्टिस होगी कि जो वर्क वो कर रहे हैं उसको उन्होंने कितना सीखा है। तो हम साथ साथ वर्कशीट भी बच्चों को करवाएंगे, एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा उनका। तो ये था मेरा आज का डे बाई डे वर्क और वर्कशीट साथ में। तो आप सबको कैसी लगी मेरी वर्कशीट और वर्क, आपको कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।